तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, लेकिन लोगों के मन में ये डर बना हुआ है ये वायरस भविष्य में उनके बच्चों को परेशान कर सकता है। लेकिन एक नई स्टडी चिंता पर राहत देने वाली सामने आई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचाने का काम किया है। ये वायरस लोगों को संक्रमित करके उनकी इम्यूनिटी सिस्टम पर वार करता है। इसकी वजह से जहां एक तरफ काफी संख्या में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर काफी संख्या में लोगों ने इस वायरस को मात भी दी है। लेकिन बावजूद इसके लोगों में डर बना हुआ है और भविष्य को लेकर भी, भविष्य अपना और अपने बच्चों का, कि आने वाले वक्त में ये कोरोना वायरस उनके बच्चों के लिए खतरा बना रहेगा। लेकिन इन चिंताओं के बीच एक ऐसी रिसर्च सामने आई है जिससे इन चिंताओं पर कुछ विराम जरूर लगेगा। इस नए शोध के मुताबिक अगर बचपन में लोग कोविड 19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 से संक्रमित हो जाते हैं, तो आगे चलकर भविष्य में वायरस अपना स्वरूप बदल लेगा और फिर ये उन वायरस जैसा हो जाएगा जिनके कारण केवल मामूली सर्दी जुकाम होता है। दरअसल मंगलवार को पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक स्टडी में ये निष्कर्ष निकला है कि आगे चलकर ये कोरोना वायरस मामूली सर्दी जुकाम वाला वायरस बन जाएगा। इस अध्ययन में आम सर्दी जुकाम करने वाले 4 कोरोना वायरस और SARS-CoV-1 को लेकर रिसर्च की गई है, जहां वैज्ञानिकों को इस विषाणु से संबंधित प्रतिरक्षा विज्ञान और महामारी विज्ञान के डेटा के विश्लेषण से SARS-CoV-2 के भविष्य में स्वरूप के संबंध में अनुमान लगाने वाला एक मॉडल विकसित करने में मदद मिली है। वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि पिछले लंबे समय से आम सर्दी जुकाम करने वाले कोरोना वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यही नहीं, इस वायरस से लगभग हर इंसान कम आयु में संक्रमित हो चुका है। इसी को लेकर इस अध्ययन की लेखिका और अमेरिका की इमोरी यूनिवर्सिटी की जेनी लाविने ने कहा कि बचपन में हुआ यह संक्रमण आयु बढ़ने पर गंभीर बीमारी से हमारी रक्षा करता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में इस वायरस को लेकर अब भी चिंता बरकरार है कि कहीं ये वायरस भविष्य में तो लोगों को अपना शिकार नहीं बनाएगा। लेकिन अगर इस अध्ययन पर नजर दौड़ाए तो इसमें कहा गया है कि भविष्य में SARS-CoV-2 ऐसा संक्रमण बन सकता है जिसका शिकार बच्चे 3 से 5 वर्ष तक की आयु में ही हो जाएंगे, और ऐसा होने पर ये संक्रमण मामूली बन जाएगा और जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। लोग बड़े होने पर भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन बचपन में संक्रमित होने के कारण उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी होगी। इस स्टडी में इस बात को भी कहा गया है कि इस वायरस का स्वरूप कितनी तेजी से बदलता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वायरस कितनी तेजी से फैलता है और SARS-CoV-2 रोधी टीके किस प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक बचपन में इस वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण इसका फायदा बड़े होने पर मिल सकेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।